दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कला मेले के अंदर तमाम महिला कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा अनुमान है कि 50% से ज्यादा यहाँ पर जो कलाकार हैं वो महिलाएं हैं, और एक ऐसी ही महिला कलाकार हमारे साथ हैं, चित्रांशी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। चित्रांशी जी, क्या आप किस तरीके की पेंटिंग बनाती हैं और यहाँ पर क्या आपने प्रदर्शित किया? मैं राधा कृष्णा के ऊपर पेंटिंग बनाती हूँ। मैं उसमें ये दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारा आज की युवा पीढ़ी है वो प्यार का मतलब कुछ और समझने लग गई है। मैं उनको वो दिखाना चाहती हूँ कि प्यार पवित्र होता है, और उसको मैं राधा कृष्णा के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो इस पेंटिंग में आपने यही दिखाया? हाँ, कि प्यार में प्योरिटी होना चाहिए, एक समर्पण भाव होना चाहिए, तो वो मैं दुनिया में स्प्रेड करना चाहती हूँ। वो एक भक्ति भाव, मतलब राधा एक लड़की अपने प्रियतम को याद कर रही है कृष्णा के रूप में, वो मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी पेंटिंग के थ्रू। और नेचर की चीजें, नेचर यूज होता है पेंटिंग में, बर्ड्स है या है, उनके भी हर रूप में प्यार आता है, मतलब हम प्यार हर कर्म से खोज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी पेंटिंग देख रहा हूँ, इसमें क्या दिखा रहे हैं आप? इसमें यहाँ पे एक लड़की, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लड़की को रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ राधा, जो अपनी भक्ति भाव में खोई हुई है और कृष्णा उनको देख रहे हैं, चाहे उनके सामने नहीं है लेकिन कृष्णा का उनको पूरी तरीके से आभास है। और यहाँ मैंने ये बर्ड्स यहाँ पे जो बनाए, ये प्यार का सिंबल बनाया है कि प्यार उनमें भी होता है, वहाँ से भी हम उसका मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नीचे पेंटिंग में देख रहा हूँ, इसमें आप क्या दिखा रहे हो? इसमें तितलियां भी बना दी, बांसुरी भी बना दी, नीला रंग आपने इस्तेमाल किया है, क्या है ये? भक्ति भाव में ही खोई हुई है कृष्णा के, उनको उनका अभाव। और ये जो येलो कलर का जो टीका है, ये प्योरिटी को दर्शाता है। अच्छा। जब हम प्योर हो जाते हैं मन से, तो हम हायर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहती हूँ कि हमारी आत्मा प्योर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप जो दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? नीला हाथ है, ये कृष्ण है, ये, और... हाँ, ये समर्पण भाव है कि हमारी भक्ति में, हमारे प्यार में समर्पण भाव बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में भी देखिए, समर्पण भाव, विश्वास बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे उसने अपने आप को कृष्णा को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। और यहाँ पर भी जो है आप कृष्ण का सिंबल दिखा रही है, साथ में एक राधा को दिखा रही है, तो क्या इसमें क्या दिखा रही है? इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कहीं समंदर हो, इस तरीके का? ये मेरा जो बैकग्राउंड जो इफेक्ट आता है, वो थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, कि हमारे मन की भावनाएं हम इधर कैनवस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फैंटेसी वर्ल्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे भी कृष्णा एक्चुअल में नहीं है, लेकिन कृष्णा है, उनका यहाँ पे प्रेजेंस आ रहा है ये मोर पंख से, जो कि वो फील कर रही है अपने अंदर, उनको अपने अंदर फील कर रही है। जरूरी नहीं कि वो सामने खड़े हों, लेकिन वो अपने अंदर कृष्णा को फील कर रही है। तो प्यार को इतने तरीके से जो है आप कैनवस पे उतारती हैं, तो इसके पीछे कोई कहानी है क्या? बस मैं चाहती हूँ कि सब तरफ प्यार हो, हर रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी जाए, और जो प्यार का मतलब जो आजकल बहुत बहुत छोटा बना दिया गया है, उसका मीनिंग एक्चुअल में बहुत डेप्थ है, मतलब उसको बहुत दिल से फील करना चाहिए। मैं वो मैसेज स्प्रेड करना चाहती हूँ अपनी युवा पीढ़ी को, और हर रिलेशनशिप में, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, लवर हो, शादीशुदा सब हो, पति पत्नी हो, सब में वो एक बहुत डेप्थ से होता है प्यार, ऊपर ऊपर में से नहीं होता प्यार, एक बहुत ही गहरी चीज है। फिर कितने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं? मैं तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, बचपन से ही मेरे को पेंटिंग का शौक है, जब मैं 2-3 साल के तब से ही कर रही हूँ। प्रोफेशनली मैं दिल्ली में जब से आई हूँ, मतलब मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं 6 साल से प्रोफेशनली इसको कर रही हूँ। 6 साल हो गए आपको? हाँ, बहुत सारे एग्जीबिशन कर रहे हैं। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मुजफ्फरनगर दिल्ली के हैं, और बॉर्न एंड बॉटम हमारा सूरत में हुआ है, मैं सूरत में रहती थी गुजरात से, और अभी हम 6 साल से यहाँ रहते हैं। तो आर्ट से पाला कैसे पड़ गया आपका? बचपन से ही है, मतलब बचपन से ही मैं पेंटिंग कर रही हूँ। घर में कोई आर्टिस्ट? घर में कोई आर्टिस्ट नहीं, घर में कोई आर्टिस्ट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग्स में अनोखे रंग आपको नजर आएंगे और तरह तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कला मेला आते हैं, तो तमाम तरीके की, इस तरीके की चीजें जिनमें प्यार भी है, रंग भी है, तमाम तरीके के रंग आपको नजर आएंगे। तो इन पेंटिंग्स को अगर देखना हो तो आपको यहाँ पर आना होगा। कैमरामैन संजीव के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।